एक काम करो ना, इसे सास बहू का सीरियल बना दो। हम यहाँ कोई वेब सीरीज देखने थोड़ा ना आए, हम तो यहाँ डेली सोप देखने बैठे हैं, उसी को बनाओ ना। या फिर भारतीय कंटेंट के साथ सबसे बड़ी बीमारी पता है यही है कि वो पहले सीजन में तो पूरा जोर लगा देंगे, तगड़ा काम कर देंगे, हाइप क्रिएट कर देंगे, लेकिन सेकंड सीजन में वो हग देंगे। यही तो हुआ था मिर्जापुर के सेकंड सीजन के साथ। उनमें उसमें क्या क्या था, उन्होंने उसमें हग ही तो दिया था। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाला हूँ आश्रम वेब सीरीज के सेकंड सीजन के बारे में, या सेकंड चैप्टर के बारे में, या डार्क साइड, कुछ भी तुम कह लो, बात एक ही है। टोटल इसके अंदर 9 एपिसोड है और इसको आप एमएक्स प्लेयर पर फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हो। और ये सीरीज कोई सेकंड सीजन में खत्म नहीं हो जाती है, इसके लिए बकायदा थर्ड सीजन आएगा, क्योंकि इनको और कुछ काम तो चाहिए ना, लगातार जनता को बिजी रखने के लिए किसी चीज को खींचना है इन्होंने, वही इसके अंदर इन्होंने किया है। तो इस सीरीज की कहानी के बारे में बात कर लेते हैं। देखो, फर्स्ट सीजन में जैसे आप लोगों ने देख रखा है तो आपको पता है कि बाबा निराला, काशीपुर के बाबा निराला जो है, वो लोगों को कैसे बेवकूफ बनाकर उनकी भक्ति का फायदा उठाकर लड़कियों का वहां पर रेप कर रहे हैं, ड्रग्स जो है वो बेच रहे हैं मिठाई में मिलाकर। तो यही कॉन्सेप्ट सेकंड सीजन के अंदर चला है। इस बार इन्होंने पम्मी पहलवान, जो फर्स्ट सीजन में दिखाई गई थी, पम्मी पहलवान को भी इन्होंने इस बार अपना शोषण का शिकार बनाया है। सच कहूं, मुझे लगा था कि सेकंड सीजन के अंदर बहुत ज्यादा टर्न एंड ट्विस्ट, सस्पेंस, बहुत कुछ देखने को मिलेगा, बट नहीं यार, सब कुछ धरे का धरा रह गया। इसके 9 एपिसोड में से 7 एपिसोड के अंदर तो बाबा का कॉन्सर्ट दिखाया गया। अभी हमें समझ गए कि वो फेमस है, वो उसको लोग उसको जनता जानती है, बट इसका मतलब ये थोड़ा है कि 9 एपिसोड में से 7 एपिसोड में उसके गाने दिखाए जाए। और कुछ सीन तो इतने इलॉजिकल थे, मतलब उनको मानने के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन बचता ही नहीं। इसमें बार बार वो पॉलिटिशियन को लेके आना, वो बूढ़ा सुंदर लाल जो है वो मुख्यमंत्री, और हुकुम सिंह जो मुख्यमंत्री के लिए पद के लिए खड़ा हुआ है, इन दोनों का बार बार आना। अब बाबा किसकी साइड है यही डिसाइड नहीं हो रहा। मतलब तुम लोगों ने बनाया क्या, खिचड़ी बनाई है क्या? खिचड़ी तो फिर भी ठीक होती है, तुम लोगों ने तो रायता फैला दिया है। मुख्यमंत्री सुंदरलाल कभी पुलिस को जो है वो बाबा के आश्रम में भेजकर बाबा को नीचा दिखाने की कोशिश करता है। इतना ही आसान था यार, पहले क्यों नहीं भेज देते? मतलब ऐसे लगता है कि एक तरीके से तो बाबा को बहुत ज्यादा पावरफुल दिखाया, जनता बहुत ज्यादा मानती है, लेकिन अगले ही वक्त जो है उसके आश्रम में पुलिस आ जाती है और कोई भी उसका विरोध नहीं करता। क्या 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 बनाने की कोशिश कर रहे हो, क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हो? और दो पुलिसमैन उजागर सिंह और साधु, मतलब उनको नशेड़ी बनाकर आश्रम में भेजना, मतलब ये किसका क्या मतलब था? अरे नशेड़ी बनाकर भेजने का क्या मतलब था? तुम ऐसी फेक कागज बनाकर भी तो उसको भेज सकते थे, और वो नशेड़ी बनकर कर क्या रहे थे वहां पे आश्रम में? अगर मैं इस सीरीज के सेकंड सीजन के लूप होल्स की बात करने लग जाऊं तो ये वीडियो खत्म होने का नाम ही नहीं लेगी। अब तुम यही सोच रहे होगे आखिरकार सेकंड सीजन में दिखाया गया है, मैं कुछ लाइनों में अगर आप लोगों को इसकी पूरी की पूरी कहानी बताने की कोशिश करूं तो मैं यही बताऊंगा कि ये जो बाबा निराला है इसकी सच्चाई है वो कुछ लोगों को पता चल जाती है, जैसे उजागर सिंह, साधु, और जो डॉक्टर नहीं है उसको, और जो रिपोर्टर है अकी, अब पम्मी पहलवान को भी इसमें पता चल जाता है। पम्मी की जो भाभी है उसको तो ऑलरेडी पता था, और जो एक कविता नाम की जो फर्स्ट सीजन में थी उसको भी पता है। तो ये कुछ लोग जो है वो बाबा की मतलब असलियत लोगों के सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा। और साथ ही साथ वो पॉलिटिक्स का दिखाना इसके अंदर, जो मतलब बाबा कभी किसी की साइड है कभी किसी की साइड है, मतलब इतनी ज्यादा वो इरिटेटिंग थी, क्या क्या सोचकर वो डाला था यार इसके अंदर। इस कहानी में ना टर्न है, ना ट्विस्ट है, मतलब ना कोई सस्पेंस है, कुछ भी नहीं है यार। क्या मतलब, एक तरीके से तुम इसको समझो कि हमारे देश में जो कंटेंट बनता है, भारतीय कंटेंट, फर्स्ट सीजन ज्यादा हिट होने के बाद लोगों को ये लगता है कि यार इसको थोड़ा सा और खींचा जाए, लोगों को यहाँ पर बिठा के रखा जाए। अब देखो यार, लोगों को बैठाकर इतना आसानी से तो रखा नहीं जा सकता, तो इन्होंने क्या किया, इसके अंदर बॉडी दिखाना, लड़कियों की बॉडी दिखाना इसके अंदर शुरू कर दिया, सेक्स की मात्रा इसके अंदर बढ़ा दी। मतलब हफसी जनता तो बैठी है ना, ठरक तो दिखा ही सकते हैं, कहानी फिर कभी दिखा देंगे, या कहानी जो है थर्ड सीजन के अंदर फिर दिखा देंगे, क्योंकि थर्ड सीजन तो आएगा ही ना इसका। तो इन्होंने यही किया, ठरक के ऊपर इन लोगों को अपने पास बुलाने की कोशिश की है। और जो रिपोर्टर अक्की है उसको इलेक्ट्रिशियन बनाकर पूरे आश्रम में घुमा रहे हो, कभी वो बल्ब ठीक कर रहा है, कभी वो रेडियो ठीक कर रहा है, कभी वो गीजर ठीक कर रहा है, फिर से वो जाके एक बल्ब फिर ठीक कर रहा है। अरे भगवान, मतलब क्यों तुमने सच में हक दिया यार। इसके सेकंड सीजन की कहानी बहुत ज्यादा एवरेज है, मैं तो यही कहूंगा कि अगर आप लोग इसके सेकंड सीजन को स्किप भी कर दोगे ना, इसका लास्ट वाला अगर एक दो एपिसोड भी देख लो, तो कोई पहाड़ नहीं टूट पड़ेगा, मतलब कि कोई इतनी बड़ी आप चीज मिस नहीं कर दोगे। इसका थर्ड सीजन ही देख लेना जब वो आएगा। मेरी तरफ से इस सीरीज के सेकंड सीजन को मैं देना चाहूंगा 4.5/10 स्टार। अगर जिन्होंने देख लिए तो वो कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि आप लोगों को ये सीरीज कैसी लगी, मतलब इसका सेकंड सीजन कैसा लगा। अगर जिन्होंने नहीं देखा है, तो अगर आप लोग देखने की सोच रहे हैं, तो मैं देखो क्या कह सकता, क्योंकि हमारे देश में जो होता है ना कि भारत के लोगों को गंद दिखाने की आदत हो गई है, तो लोगों को उसको देखने की भी आदत पड़ी गई है, तो लोग वही देखते हैं। तो यार अब तुम देखना चाहो तो अपने रिस्क पे देख ही सकते हो यार। खैर बस आज के लिए इतना ही था इस वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।